पसंद आया या सारे मतलब हमें सब कुछ पसंद आता आ, है मतलब है। कभी हमें पॉजिटिवली पसंद आता है कभी नेगेटिवली पसंद आता है आता जरूर <laughs> है आता पसंद ही है ठीक है सो so, कभी कभी हमें न्यूट्रली भी पसंद आता है जैसे yes, कि बजाज फाइनेंस न्यूट्रली hmm. पसंद है न्यूट्रली कंप्लीटली इन लाइन रिजल्ट है बजाज फाइनेंस के चाहने वाले इनके दीवाने बहुत हैं hmm. और जो इनके दीवाने वो इस रिजल्ट को देख बेचेंगे नहीं और जिनको नहीं लेना है उनको ऐसा कोई रिजल्ट में नहीं दिखा कि जो कूद के आज सुबह सुबह ले लेकिन मुझे तो लेना ही लेना है इनफैक्ट जो दीवाने वो भी ऐसे कूद के लिए सो बेसिकली ये रिजल्ट आए और चले गए बजाज फाइनेंस के लिए खत्म खत्म इस तरह के क्यों ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है इसमें कोई डाउट ही नहीं मजबूती के साथ चाहे वो एयूएम देख लें आप चाहे इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में एन में ग्रोथ देखें तीस की ग्रोथ आई मुनाफा सत्ताईस बढ़िया आया है चिंता की बात क्या है एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से घट कर आए उम्मीद से कम आए चौदह बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही घटे ये एक चिंता की बात है और ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट को सुनकर कि भाई ठीक है ग्रोथ के हिसाब से दिक्कत नहीं है एन के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत है सो अब क्या हो सकता है हल्का फुल्का स्टॉक नीचे आ सकता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और अगर नीचे आता है आठ हज़ार एक सौ बीस पर बंद हुआ है एम फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ हाँ बराबर है सात हज़ार नौ सौ तीस आठ हज़ार ये सपोर्ट लेवल है इसके लिए ठीक ड्रेस के सात हज़ार नौ सौ तीस आठ हज़ार इस रेंज में आएगा तो हल्के फुल्के ख़रीदारी आ जाएगी ऊपर में आठ हज़ार एक सौ पैंतालीस एक सौ पचहत्तर के आसपास रुकावट की जगह इसको पार करेगा तो सो तो, तो, नीचे कमजोर तभी होगा जब सात हज़ार नौ सौ पच्चीस तीस को ये तोड़ के ट्रेड बंद होने लगे आठ हज़ार एक सौ पचहत्तर के ऊपर बंद होगा तो ही मजबूत होगा सो आई थिंक जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से ट्रेडिंग रेंज में रह जाएगा फ्लैट खुला नीचे आ जाएगा मजबूत खुला नीचे आ जाएगा और ज़्यादा नीचे खुल गया तो सपोर्ट रेंज से रिकवर भी हो जाएगा ये बजाज फाइनेंस आपके लिए नंबर वन ओके एल टी टी एस ये भाई साहब क्या करना चाहते समझ में नहीं आता मतलब कुछ सेम में, मतलब आईटी कंपनी की स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं नंबर्स बहुत बढ़िया कोई भी पैरामीटर पे देखिए मतलब कहीं आपको नंबर्स खराब नहीं दिख रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है डॉलर रेवेन्यू बेहतर है एबिट बढ़िया है मार्जिन सवा सत्रह परसेंट क्या चाहिए और और मुनाफा भी बढ़िया है उनसे हर एक लिहाज से और फिर सेम यही कहानी जो टी सी एस ने डराया जो इन्फोसिस ने किया यही कर रहे हैं गाइडेंस कट मतलब फैशन हो गया मतलब <laughs> ये समझ में नहीं यार मतलब कि ये तो वैसा हो गया ना कि आ, 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 हाफ ईयरली एग्जाम और सेमेस्टर में नंबर अच्छा है बोले मैं फाइनल में तो पक्का फेल हो जाऊंगा <laughs> <laughs> बोले क्यों? मेरे पूरे चांस है छह महीने बाद में बीमार पड़ूंगा फिर एग्जाम के वक्त मुझे जॉइंटिस हो जाएगा मुझे लगता है और गाइडेंस में कट जो है थोड़ा बड़ा वाला है मतलब छोटा मोटा नहीं है मजा नहीं आ रहा सुन के तो मैं आपको लेवल्स देता हूँ सपोर्ट लेवल कहा है फ्यूचर्स में सात सौ के रेंज में सॉरी चार हजार तीन सौ साठ चार हजार पांच सौ की रेंज में सपोर्ट लेगा होम्स? होम्स. मेरा क्लियर कट बाय था कल अच्छे नंबर्स आ गए क्या नहीं पता था वो में इंटरेस्टिंग चीज है पहले मैं नंबर समझा दूंगा हर एक पैरामीटर पर नंबर बहुत अच्छे चाहे आप प्रॉफिट देख लें नेट इंटरेस्ट इनकम देख लें मार्जिन देख लें थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट शानदार खराब क्या है कुछ खराब भी है नंबर्स में पहली चीज़ इन्होंने बड़ी प्रोविजनिंग की है तेरह करोड़ से बढ़ाकर बहत्तर करोड़ की प्रोविजनिंग की है। और प्रोविजनिंग क्यों की फ्रॉड केसेज याद है पहले प्रोविजन फ्रॉड केस के चक्कर में घटा था तो फ्रॉड फ्रॉड केसेस के चक्कर में इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है एक तरह से अच्छी बात भी है कि प्रोविजनिंग कर ली और उसके बाद भी नंबर अच्छे हैं जी ठीक है दूसरा एक और जो चिंता है थोड़ी सी जो इस वक्त नहीं होनी चाहिए लेकिन ग्रोस और नेट लेवल पे एनपीएन के, के बढ़ के आ रहे हैं है। तो ठीक तो अगर ये आज मजबूत खुलता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर के लेवल ऊपर के लेवल इन नंबर अगर ये फ्रॉड वोड वाला मामला प्रोविजिंग नहीं होती तो ये स्टॉक तीन से चार पांच परसेंट बढ़ने लायक था लेकिन क्योंकि चार परसेंट और बढ़ चुका है मार्केट का मूड थोड़ा साल ऑन न्यूज हो जाए इसलिए मुझे पता नहीं इसलिए मैं खाली आपको सपोर्ट लेवल दे रहा हूं अगर सपोर्ट लेवल में आए तो पक्का ले लेना सपोर्ट पे पक्का ले लेना छोड़ना मत ठीक है फिर बोल रहा हूँ छोड़ना मत नंबर अच्छे हैं खाली फ्रॉड की वजह से थोड़ा सा एन बढ़ा है उसकी वजह से नीचे अगर आ जाए कहाँ आए तो लेना है सात सौ के आसपास यहाँ पर आए तो आपको लेना है ऊपर में आठ सौ के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके एक बार शांति से बैठिए। ठीक है चलिए